अरे आप आपके जैसन लोग को ठगा है तो दूसरा को तो बातें हटा दीजिए। अम्बा प्रसाद को हटा देंगे हम पूरा टोटली वोट, और हम अपना वोट तो देंगे ही, साथ में मेरे तरफ से जितना सहयोग हो पाएगा हम टोटल वोट आपको देने की कोशिश दिलवाएंगे। जैसा अनारकली हमेशा कहती है कि चाय पर चर्चा अनारकली का फेवरेट काम है, और आज बारिश भी हो रही है तो चाय पीकर तो बिल्कुल मजा ही आ जा रहा है अनारकली को। और अनारकली के सामने कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेगी। तो सर, आपको पता है कि विधानसभा चुनाव कब होने वाले हैं? ये तो रांची जिला में 23-13 नवम्बर को है। और कितने चरण में हो रहे चुनाव? तो दो चरण में चुनाव है। दूसरा चुनाव कब है? 20 तारीख को। जी, इनको सारी बातें पता है तो बिल्कुल एकदम तैयार हैं, एकदम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो कब, कैसे तैयारियां कर रहे हैं आप चुनाव? तैयारी तो ठीक ठाक ही चल रही है, ठीक है। और बाकी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, अब उनका अगला चरण क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कौन आपके कौन फेवरेट है इस बार? फेवरेट तो हम लोग चाह रहे कुछ नया करने के लिए, अब देखते हैं हमारी बहुमत किनके पक्ष में जाती है। तो और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, इन सब से भी जानेंगे। तो सर, आपको पता है कि चुनाव कब होने वाले, मतदान का दिन कौन सा है? 13 नवंबर को है। और कौन सा दिन है? 20 नवंबर को। और आप ये बताइए कि रिजल्ट कब आने वाला है? 23। अरे, यहाँ पर तो सभी जागरूक लोग हैं, सभी यहाँ पर जागरूक है, सभी को पता है कि मतदान कब होने वाला है। एक खटकर सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको सबसे सुंदर नेता कौन सी लगती है? तो इस बार सरकार चेंज करने का विचार में पूरा। चेंज करने के विचार में? अरे बाप रे, क्या चेंज करना चाह रहे हैं आप? नहीं, सरकार चेंज होगा। किसे देखना चाह रहे हैं? फिर से भाजपा। फिर से भाजपा को देखना चाह रहे? सरकार बदलने के मूड में है, कुछ नया स्वाद इनको चाहिए, कुछ नया जायका इनको चाहिए। तो आप बताइए सर, आपको सबसे सुंदर नेता कौन सी लगती है? सब सुंदर है, कोई बंदर नहीं है। मतलब आपकी फेवरेट कौन है? सब है, ऐसा कुछ फीमेल नेता में बताइए कोई अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है सब, अब तो जो काम करेगा वही अच्छा है, बाकी तो सब है ये है। जो काम करेगा वो सबसे अच्छा है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो काम करेगा सबसे अच्छा है। थोड़ा शर्मा रही है, थोड़ा सा। आप बताइए कि चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही है? अच्छा है बस इतना सा जवाब। चुनाव कैसे चल रहा था? अच्छा ही चल रहा है। और क्या क्या तैयारियां कर रहे, कौन से पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, ऐसा क्यों है? और नाराजगी क्या है आपको अभी के सरकार से? बहुत सा कारण है, बताइए हमारे पास बहुत वक्त है। अरे आपके जैसन लोग को ठगा है तो दूसरा को तो बातें हटा दीजिए। मतलब वो थोड़ा स्टूडेंट को देंगे बोला, अंडर ग्रेजुएट को 5,000, ग्रेजुएट को 7,000 आज तक दिया है, सब वैकेंसी सब पेंडिंग पड़ा के रख दिया है, इसलिए देखिए स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत हो गया। 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाला, तो बर्बाद टाइम लॉस हो गया, तो उसी कारण बहुत नाराजगी है। आज बहुत वैकेंसी निकाला था, उसका भी रिजेक्ट कर दिया। ये कहना है कि युवाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ गलत किया है, वैकेंसी नहीं निकाला और इस वजह से युवाओं को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और सरकार से खासा नाराज लग रहे हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपको पता है कि चुनाव कब होने वाले हैं? बिल्कुल जानते हैं। बताइए। 13 और 20 को। 13 और 20 को चुनाव होने वाले, तो क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं और किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हम लोग तो बीजेपी। एक और बीजेपी सपोर्टर मिल गए हमें, और बीजेपी सपोर्ट कर रहे, आप भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे? हम तो JMM को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे इन दोनों के बीच तो थोड़ा सा मतलब अलग अलग राय मिले, तो आप बताइए कि आपको बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे और आप क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आज हमारा देश जो जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचा है वो और किसी भी गवर्नमेंट में ये ताकत नहीं थी जो देश हमारा यहाँ तक पहुँचा है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जैसे बीजेपी जो है उद्देश्य के लिए चलिए ठीक है, लेकिन झारखंड के लिए अगर माना जाए तो JMM जिस हिसाब से अभी काम कर रहा है और जो बोला है वो लागू कर रहा है, तो हमको लगता है कि फिर से उसको चांस दिया जाए, क्योंकि इनके बाद ही बीजेपी कुछ बोलता है कि अगर 1100 1000 ये बोल रहे हैं तो 2500
मतलब मान लिया जाए कुछ भी तरीके से महिलाओं को देखना है, या जो झारखंड के तौर पे अगर हम देख रहे हैं तो जेएमएम अच्छा है, बाकी अगर केंद्र में देख रहे हैं तो बीजेपी अच्छा, जो चीज़ अच्छा है तो अच्छा है, साथी रहते हैं, लेकिन हम लोग जान रहे हैं ना कि झारखंड में जो काम करेगा वही जीतेगा। और आपको क्या लगता है झारखंड में बीजेपी अच्छा काम करी है जेएमएम? नहीं, पिछली बार रघुवर सरकार ने अच्छा काम किया हुआ था, आज चारों तरफ रोड जो आज हेमंत जी कर रहे हैं, सरकार को उधर भेज दिया गया उठा के कि आप यहाँ झारखंड से मुख्यमंत्री पद से गायब हो के हर उधर के राज्यपाल बन जाइए, क्या कहेंगे इस पर? इस पर अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अच्छा, आपसे एक थोड़ा हटके सवाल पूछेंगे, आप ये बताइए कि आपको सबसे सुंदर नेता कौन लगती है? सबसे सुंदर बोलने को तो किसको बोल सकते हैं, सबसे सुंदर नेता की नेता इनको बोल रहे हैं आप? नेता इन। अच्छा, ऐसे पूछिएगा तब ना। बताइए। अच्छा, अभी तो इसे अम्बा प्रसाद अभी अच्छी है, सुंदर भी है और भाषण भी अच्छी देती है, और शिल्पी नेहा तिर्की भी बहुत अच्छी है, उसका भी भाषण उसन बहुत अच्छा और काम भी कर रही है बहुत अच्छा। और कल्पना सुरेन कैसी लगती है? कल्पना सुरेन भी अभी वो तो फिलहाल ज्वाइन की है और वो भी अभी अपने स्टाफ से बहुत अच्छा काम कर रही है, भाषण भी बहुत अच्छी देती है। और अनारकली कैसी लगी? मैं हूँ अनारकली, और अनारकली आपको कैसी लगी? ठीक है, आप भी बहुत सुंदर हैं। अगर अनारकली चुनाव में खड़ी हो जाए तो अनारकली को वोट देंगे? आप आपके बारे में जानेंगे तब तो वोट देंगे। बड़े समझदार हैं ये, इनका बिल्कुल कहना सही है कि मेरे बारे में जानेंगे, मतलब चुनाव पर जो खड़ा हो उसके बारे में जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि वो कैसा काम करता है, तब जाकर ही उन्हें वोट दिया जाए। इसे जानना चाहेंगे, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो कब हो रहे हैं चुनाव? दो चरण में यहाँ चुनाव है, एक चरण है आपका ये हमारा 19 का है, यहाँ 20 का है, और एक है 13। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, 13 और 20 को मतदान है और 23 को आपका डिक्लेयर होगा, 23 को रिजल्ट आएंगे। तो आपको डेट्स तो अच्छे से याद है, तो आप जरूर तैयारी भी कर रहे होंगे कि कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है, आपको कौन पसंद आ रहा है? अभी तो हमारे केंद्र में बीजेपी है, बीजेपी जैसा कोई पार्टी ही नहीं है जो न्यूट्रल है और काम भी वो अच्छा करता है। बीजेपी यहाँ पर, लेकिन बीजेपी नहीं है तो राज्य में भी बीजेपी को देखना चाह रहे क्या? एकदम, राज्य में भी बीजेपी को देखना चाह रहे हैं। हेमंत सरकार से थोड़े नाराज है? नहीं, नाराजगी की बात नहीं, काम के ऊपर ही किसी को सिलेक्ट किया जाता है। मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान, ये सब चुनाव का इनका लुभावना है, जो छोटे छोटे लोगों को इन लोग दे के और वोट लेना चाहते हैं। सरकार का पैसा है ना, जेब का पैसा तो है नहीं, सरकार का पैसा लुटा के इन लोग वोट कलेक्ट करते हैं, ये ट्रिक है इनका, पार्टी का। इन्होंने बहुत बड़ा एक आरोप लगा दिया, इनका कहना है कि ये जो योजनाएं है इसमें बस सरकार का पैसा लग रहा है। हाँ हाँ, सरकार का है, कोई पॉकेट से इन लोग नहीं दे रहे हैं। जी, शुक्रिया, इन्होंने बहुत नई बात बताई कि इनका कहना है कि सरकारी पैसा लगा रहे। आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान कब होने वाले, पता है आपको? नहीं मालूम है हमको तो। आपको नहीं मालूम है तो आपको हम लोग बता देते हैं कि 13 तारीख को और 20 तारीख को मतदान होने वाले, झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाला, उसके लिए मतदान होने वाले। आप वोट देने जाते हैं? जाते हैं, मगर नहीं पता है। नहीं पता है? अभी पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले? हाँ, वो तो जानते हैं, मगर हमको पता नहीं। जो पता नहीं, अच्छा ठीक है, हम ही आपको बता देते हैं कि झारखंड में 13 और 20 को चुनाव होने वाले हैं, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो हम नहीं बता सकते किसको करेंगे। आप चुनाव होने वाले, उसकी तैयारियां नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं। तो बताइए, चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, किसको वोट देना चाह रहे हैं? चुनाव एक महापर्व है और इस बार तो लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा अपार बहुमत के साथ जीतेगी। तो इनका कहना है कि भाजपा जीतेगी क्योंकि भाजपा के सपोर्टर हैं और चाहते हैं बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। सर, आपसे जानना चाहिए, कहाँ भाग रहे हैं आप? रुक जाइए। थोड़े से भाग गए ये, शर्मा कर भाग गए। अनारकली से कुछ लोग भाग भी जाते हैं क्योंकि अनारकली थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब बातें ज़्यादा करती हैं, तो कुछ लोग भाग जाते हैं अनारकली को देखकर। पर हम यहाँ पर और भी लोगों से पूछेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? मालूम है। तो कब हो रहे हैं चुनाव? चुनाव आप कह तरीके हैं, मालूम नहीं चल रहा है हमको। अरे, आप चुनाव में वोट तो देते ही होंगे। हाँ। तो डेट नहीं पता? डेट नहीं मालूम है हमको। कब पता करेंगे? अभी चुनाव होने वाले, पता है ना, 13 तारीख को। ठीक है, हम अनारकली है, अनारकली आपको बताएगी, 13 और 20 को चुनाव होने वाले हैं, तो यही बता दीजिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हेमंत सोरेन। हेमंत
सोरेन, रांची में किसको विधायक देखना चाहते हैं? हेमंत सोरेन। विधायक देखना चाहते हैं हेमंत सोरेन? वो देखेंगे, बहुत बार मेरा एंट्री लेके चला गया सर। अच्छा, तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं फिर? देखिए, झारखंड में जो आएगा उसी को मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। झारखंड में जो आएगा उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और रांची पे विधायक किसको देखना चाहते हैं? विधायक मोदी सरकार। मोदी सरकार, वही तो है जिंदगी में, और कौन पढ़ा रहा है? दूजन तो है ही, हेमंत सोरेन, मोदी सरकार, बस उसमें कोई है ही नहीं। थोड़े से कंफ्यूज हो गए ये, और थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे, पर कोई बात नहीं, और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से जानेंगे। अनारकली सबसे पूछेगी, अनारकली सबसे जानेगी। तो छाता लेकर अनारकली निकली है, और अनारकली सभी से बात करेगी, सभी से पूछेगी। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हमें दिख रहे हैं, हम इन लोगों से भी पूछेंगे। सर, आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले? हाँ पता है। तो कब हो रहे हैं, कब है मतदान का डेट? देखिए, यहाँ तो रांची में 13 को है, और मतगणना है 20 को, आई थिंक। थोड़े कंफ्यूज है, थोड़ा सा गलत बोले, एकदम क्लोज है, थोड़ा सा याद करके बताइए। गिनती कब भैया? गिनती कब है भैया? गिनती कब है? 23। और दो चरण में चुनाव हो रहे हैं, तो आपने 23, हाँ, एक और कौन सा डेट? एक 13 है, एक 20 है। 13 और 20 है। तो आपको ये भी पता होगा कि विधानसभा में कितने सीट्स है झारखंड में, विधानसभा के 81। जब आप वोट देते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं कि हाँ ये चीज़ देखना है और इस बेसिस पे वोट देना है? ये सबसे बड़ा तो विकास का ही ये होना चाहिए, और रोजगार पे होना चाहिए। जो एग्ज़ाम सारे जो अभी हुए, जिसके लिए इतना कुछ हो रहा था कि पेपर लीक वगैरह, ये सब, तो उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लीक ना हो, सही से एग्ज़ाम हो, समय समय पे हो, सही से बहाली हो, इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो युवाओं के लिए अच्छा काम करे, विकास करे, ऐसे हमारे जो नेता है वो होने चाहिए, जो विधायक मुख्यमंत्री चुने जाए ऐसे होने चाहिए, ये भाई साहब का ये कहना है, और इन्हें पूरी जानकारी भी है। और हम और भी लोगों से जानेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या सबको पता है कि नहीं कि कब आखिर मतदान कब होने वाले हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अनारकली चाहती है कि अच्छी बात है, वो सभी को बताए, सभी से पूछे और सभी से जाने। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है कि विधानसभा चुनाव कब? हाँ, 13 नवंबर को। तो अनारकली और भी लोगों से बात करेंगे, और यहाँ पर और भी लोग हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव कब हो रहे हैं? चुनाव 23 को हो रहा है। 23 को चुनाव हो रहा है? श्योर है आप? 13 को हो रहा है। 13 को चुनाव है रांची में। और कब हो रहा है? और 20 को है शायद। और रिजल्ट कब आ रहे हैं? 23 को शायद रिजल्ट है। जहाँ झारखंड में तो अभी जेएमएम की सरकार है, तो झारखंड में जो जेएमएम की सरकार है वो क्यों नहीं पसंद आ रही है, और बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहा है? जेएमएम की सरकार इसलिए पसंद नहीं है कि सबसे ज़्यादा करप्शन है उसमें, कॉन्ट्रैक्टर जितने हैं, ठेकेदार वर्ग जितने हैं, सबसे बहुत ज़्यादा कमीशन लिया जा रहा है, और घटिया काम हो रहा है एमपी और विधायक लोग के चलते और मंत्री लोग के चलते, इसलिए कि कमीशन ज़्यादा लग रहा है, और रेट बिलो जा रहा है 28%, 30%। पहले 10% बिलो में काम करता था कंट्रेक्टर, 15% बिलो में काम करता था, तो काम का क्वालिटी रहता था। अभी काम का क्वालिटी, काम लेने के चक्कर में, बेरोजगारी के चक्कर में रेट ज़्यादा बिलो जा रहा है, काम का क्वालिटी घटिया हो रहा है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, और भी लोग हैं, हम सबसे जानेंगे, क्योंकि अनारकली निकली है, सबसे पूछेगी। तो यहाँ पर इन लोगों से भी हम जानेंगे, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। थोड़े से भाग रहे हैं आप, आपसे जानना चाहेंगे, आपको पता है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव कब हो रहा है? 13 और 20 को। तो झारखंड में कितने विधानसभा सीट है, ये भी तो पता ही होगा आपको? नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता? राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति में इंटरेस्ट नहीं, पर वोट तो करना है आपको, तो आपको थोड़ी जानकारी। पर आपसे यही पूछ लेंगे कि आपको सबसे सुंदर नेता कौन लगता है? अभी नहीं पता। नहीं पता? कोई तो सुंदर लगती होगी, कल्पना सोरेन, अंबा प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की, कोई सुंदर लगती है? फिलहाल तो हेमंत सोरेन ही अभी ठीक है। हेमंत सोरेन हैंडसम लगते हैं, महिलाओं का नाम नहीं लेना चाहते, थोड़े शर्मा गए। आप बताइए, आप वोट देने जाएंगे ना? यस। तो कब है चुनाव? मेरा तो नवंबर में। नवंबर में है, तो नवंबर में तो इतने सारे दिन होते हैं, डेट बताइए। डेट पता नहीं, चतरा जिला में है भाई, जयराम महतो। जयराम महतो, ये इन्हें पता है, लेकिन कब है चुनाव ये भी तो पता होना चाहिए। चुनाव डेट पता ना है? चुनाव डेट पता चलेगा तो जाएंगे घर पे। चुनाव डेट तो आ चुके हैं, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप युवा हैं, तो युवाओं के जो अंदर जो नई एनर्जी होती है, नई जोश होती है, उन्हीं को तो देश को बदलना है। तो आपको हम ही बता देते कि 13 और 20 को चुनाव है, ठीक है? तो 20 को है चतरा जिला में। हाँ ठीक है, अब इन्हें पता चल गया। और ये पता है कि झारखंड में कितने विधानसभा सीट्स है? 81।
इन्हें अच्छे से पता है कि झारखंड में 81 विधानसभा सीट्स है और उसी को लेकर के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव 13 और 20 को हैं और आप सभी जरूर जाएं और वोट दें। तो अनारकली से बात करने के लिए और भी लोग जुड़ गए हैं और अनारकली भी सबसे बात करेगी, तो एक और भाई साहब हमारे साथ आए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको पता है कि मतदान कब होने वाले हैं झारखंड में? हाँ, मतलब दो चरण में हो रहा है मतदान। पहला चरण में 13 तारीख को है और दूसरा चरण में आपका 23 नवंबर को है। 23 नवंबर को? हाँ? कितना? 20 नवंबर को। कंफ्यूज हो गई, यहाँ पर एक और है ये भी बता रहे हैं, आप बताइए। हाँ, सबसे पहले तो सबको नमस्ते। हम लोग का विधानसभा चुनाव है, पहला तो फर्स्ट जो है वो 23 तारीख 13 को है और सेकंड जो है वो 20 को है और जो रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। बिल्कुल सही का इनको 100 पॉइंट्स मिलता है। और आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे कि आप बताइए कि झारखंड में कितने विधानसभा सीट्स हैं? 81 विधानसभा सीट है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बताया। और आपसे ये भी जान लेते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो आप कहाँ से वोट देते हैं? हम लोग को तमाड़ विधानसभा पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ के विधायक के बारे में पता है? वहाँ का विधायक वर्तमान में विकास कुमार मुंडा जी हैं। कैसा काम कर रहे हैं? काम तो उनका लगभग जीरो ही है। जीरो काम है, अरे बाप रे, क्यों? वैसे हम लोग को जो है देखने का क्षेत्र में बहुत मुश्किल से उनको देखने को ही नहीं मिलते हैं, कहाँ रहते हैं पता ही नहीं चलता है। कहना है कि जो विधायक है क्षेत्र में आते ही नहीं, काम ही नहीं करते, इनको देखने को ही नहीं मिलता है। तो आपसे एक अलग हटके सवाल पूछेंगे कि आपको सबसे हैंडसम या सबसे सुंदर जो नेता है वो कौन लगती है? लगती है? हाँ, लगती है। अच्छा, ये जो हम लोग को झारखंड में बोले तो अभी जो विधायक है, वर्तमान विधायक में बहुत सारे अभी नए नए यंग लड़की लोग है, जिसमें से फिलहाल तो मेरे नज़र से अम्बा प्रसाद। हाँ, अम्बा प्रसाद तो सबको बहुत पसंद है। आपको कौन सबसे सुंदर लगती है? बस वही भाई जो बोले। अच्छा, अगर आप लोग उसे एक और मतलब जेएलकेएम के हैं दमंती मुंडा जी। अच्छा। अभी हम लोग का तमाड़ विधानसभा दो हैं, वही हम लोग को बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। तो एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि अगर अनारकली, जो कि मैं हूँ, और अनारकली अगर चुनाव में उतर जाती है तो अनारकली को वोट देंगे? अनारकली कैसी लगती है? अगर मेरे हमको पूछा जाए तो मेरे तरफ से हम तो अम्बा प्रसाद को हटा देंगे, हम पूरा टोटली वोट, और हम अपना वोट तो देंगे ही, साथ में मेरे तरफ से जितना सहयोग हो पाएगा हम टोटल वोट आपको देने की कोशिश दिलवाएंगे। अनारकली के तो बहुत सारे फैंस हैं और अनारकली को बहुत अच्छा लगा आपका जवाब सुनकर। आप बताइए कि आप अनारकली को वोट देंगे? हाँ, जरूर देंगे। को भी लोग वोट देंगे अगर अनारकली चुनाव में उतर जाए, लेकिन ऐसा अनारकली करेगी नहीं। पर अनारकली आप लोगों से चाहेगी कि आप लोग सभी नेताओं को जाने, सभी विधायकों के बारे में जाने, क्योंकि आपको नहीं पता होगा तो आप वोट देंगे कैसे? यूं तो बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में आप लोकतंत्र के त्यौहार को मत भूल जाइएगा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में अनारकली आप सभी दर्शकों से यही कहेगी कि आप सब वोट देने जरूर जाएं। और आज अनारकली ने बहुत से लोगों से बात की, चटपटी बातें की, अनारकली को तो बहुत मज़ा आया और बारिश ने तो माहौल और भी ज़्यादा रंगीन कर दिया। तो ऐसे ही अनारकली आपसे मिलते रहेगी और फिलहाल अनारकली को जाना पड़ेगा, तो अगले एपिसोड तक अनारकली का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।